अगर आप अपने पूरे शरीर के अनवांटेड हेयर को रिमूव करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। भले ही आपकी स्किन कितनी भी सुंदर या फिर चमकदार क्यों ना हो, अगर चेहरे के ऊपर अनचाहे बाल हों, तो उनसे हमारी सुंदरता खराब हो जाती है। चेहरे पर बाल आने से स्किन काली, बसुर्त और खराब दिखने लगती है। चेहरे पर बालों का होना सामान्य है, लेकिन बाजार में मिलने वाले कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनका यूज करके हम उनको हटाने का प्रयास करते हैं, वो हमारे लिए सही नहीं होते। अगर आप लंबे समय तक अपने चेहरे को बालों से मुक्त करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। लेडीज अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए थ्रेडिंग, वैक्सिंग और प्लकिंग की हेल्प लेती हैं। इन चीजों से एक बार हमारे बाल तो उतर जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन चीजों का यूज करने से हमारे बाल और भी ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगते हैं, यानी कि बालों की ग्रोथ और तेजी से होने लगती है। तो आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उस रेमेडी का यूज आप अपने चेहरे पर या फिर अपने पूरे शरीर पर भी कर सकते हैं। इससे आपके अनवांटेड हेयर रिमूव हो जाएंगे। अक्सर जब हम अपने बालों को रिमूव करते हैं, तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम होती है कि हमारी स्किन के ऊपर रेडनेस हो जाती है या फिर कभी कभी रैशेज पड़ जाते हैं। आज की मेरी इस रेमेडी के साथ मैं आपके साथ एक टिप भी शेयर करूंगी, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी। आपको बाल रिमूव करने के बाद किसी प्रकार की रेडनेस नहीं होगी और ना ही आपके रैशेज पड़ेंगे। तो चलिए अब रेमेडी को बनाना सीख लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे बेसन। बेसन हमारी स्किन को निखारने का काम करता है और हमारे अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। बेसन का यूज तो वैसे भी स्किन को निखारने के लिए लोग करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम अपने बालों को रिमूव करने के लिए बेसन को डालेंगे। सेकेंड चीज हम इसके लिए यूज करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर बेसन के साथ जब मिल जाती है, तो बालों को रिमूव करने के लिए हेल्प करती है और हमारी स्किन को कोमल और चमकदार बनाने में भी हेल्प करती है। थर्ड और मेन चीज जो मैंने अपनी टिप में भी कही थी, जिसका यूज करने से आपके रैशेज या फिर रेडनेस नहीं होगी, वो मेन चीज है कोलगेट। अब आप सोचते होंगे कि कोलगेट का यूज करने से बालों को रिमूव करने के बाद रेडनेस क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोलगेट के अंदर मेल्ट होता है, उसकी वजह से ये हमारी स्किन को ठंडक देता है और इस रेमेडी के अंदर जब हम इसका यूज करेंगे, तो उससे ये रेडनेस नहीं होने देगा। तो चलिए अब देखते हैं इस रेमेडी को किस तरह से प्रिपेयर करना है। इसके लिए आपको एक क्लीन बाउल के अंदर एक चम्मच बेसन का डालना है और उसके बाद आपको आधा चम्मच हल्दी पाउडर का डालना है। थर्ड और मेन चीज हम इसमें डालेंगे कोलगेट। इस वीडियो में मैंने आपको जितनी कोलगेट डालकर दिखाऊंगी, आपको उतनी ही डालनी है। इन तीनों चीजों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बीच में थोड़ा सा पानी डालकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। मिक्स करने के बाद अब ये हमारा पैक रेडी हो गया है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में पैक को बनाना चाहते हैं, तो आप 2 चम्मच बेसन के ले सकते हैं और 1 चम्मच हल्दी का और 2 बूंद के जितना कोलगेट। तो चलिए अब जानते हैं कि इस रेमेडी को आपको किस तरह से अप्लाई करना है। जिस जगह के भी आप अपने बालों को रिमूव करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने चेहरे के बालों को रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उस एरिया पर इस पैक को लगाइए। इस पैक को लगाकर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद हल्के हल्के धीरे हाथों से आप इस पैक को मसाज करते हुए उतार दीजिए। जब आप पैक को उतारेंगे, तो उसके साथ साथ आपके बाल भी रिमूव होंगे। बालों को रिमूव करने के बाद ठंडे पानी के साथ आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए, या फिर अगर आप किसी और एरिया पर इस पैक का यूज कर रहे हैं, तो उस एरिया को ठंडे पानी के साथ वॉश कर लीजिए। अगर ऐसा आप कर लेते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार, तो आपके अनवांटेड हेयर रिमूव हो जाएंगे और फिर से जल्दी नहीं होंगे। ऐसा करने से आपके बालों की ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। फ्रेंड्स, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने सुजेशंस फिर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स भी अनवांटेड हेयर के साथ परेशान हैं, तो उनको भी इस रेमेडी को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।